हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम किचन में हैं और किचन में बना रहे हैं खाना। तो फ्रेंड्स, आज हम खाने में बना रहे हैं तो फ्रेंड्स खाने में हम बना रहे हैं अरवा चावसी का बनाएंगे भात, और यहाँ बनाएंगे भरवा पटल। पटल इसे परवल भी बोलते हैं, तो हम लोग तो पटल बोलते हैं, ऐसे परवल भी बोला जाता है। तो बनाएंगे भरवा परवल। और यहाँ हम चावल का पानी बैठा दिए हैं और हमारे चावल बन जाएगा। और दाल बनाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स खाना की तैयारी हम कर रहे हैं, और खाना का हमारा तैयारी चल रहा है। अभी जा रहे हैं हम मसाला वसाला पीसने के लिए, तो आपको दिखाते रहेंगे। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सब ब्लॉग में बने रहिए इसी तरह। तो मौसम तो बहुत गर्मी किया है, पर हो रहा है, कभी छाया हो रहा है, कभी धूप हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तो धूप ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए मौसम दिखा रहे हैं, ये देखिए मौसम। मौसम कभी धूप हो रहा है, कभी छाँव हो रहा है, तो ऐसा मौसम आज का बना हुआ है। तो अभी बज रहा है 11, 11 बज चुका है, और अभी सुबह का मौसम है। तो ये देखिए थोड़ा हवा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए इस ये वाला फूल खिलने लगा है, ये हमारा बेली का फूल है, खिल रहा है। और मौसम ठीक ठाक है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और डॉलर है अभी घर में, बाहर नहीं है, तो डॉलर को दिखाते हैं। डॉलर तो अभी घर में है, दिखाते हैं। डोलू कहाँ है? डोलू कहाँ है? डोलू डोलू एसी में बैठा हुआ है, देखिए। डोलू एसी में बैठा है, क्योंकि जब 11 बजता है ना, तो इसको बहुत गर्मी लगने लगता है, तो इसको फिर हम घर में लाते हैं। 11 बजते के साथ उसे बहुत गर्मी लगता है, चिल्लाने लगता है। जब चिल्लाने लगता है तो हम उसको घर में लेकर के आ जाते हैं, और एसी वाला रूम में रखते हैं तो चुप रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मसाला वसाला तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी तैयारी हो गई है, और यहाँ हम थोड़ा सा डाल दिए हैं हींग, हींग डाले हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा प्याज, प्याज का लगा रहे हैं, और प्याज ऐसे काटेंगे, और यहाँ हम प्याज डाल दे रहे हैं। प्याज हमारा भुना जाएगा, उसके बाद मसाला डालेंगे। प्याज लाल हो जाएगा तो इसमें हम मसाला डाल के भून देंगे। यहाँ तैयार है, सारे मसाले ले लिए हैं इसमें। ये जो हम पीसे से मसाला वही है, तो इसमें हम मिलाए हैं मसाला में जो परवल के जो अंदर से निकलता है बीज उसका, तो वो जो ताज़ा बीज रहता है उसको हम ले लिए हैं। उसके बाद में गोटा धनिया थोड़ा सा, 1 चम्मच, और गोटा धनिया है, और लहसुन, हरा मिर्च और आदि है, और इसमें थोड़ा सा सौंफ भी डाले हैं। सौंफ डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो इसमें सौंफ भी मिला लिए हैं। और अब इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसमें डालते हैं हल्दी, हल्दी पाउडर डालते हैं, और इसमें डालते हैं धनिया, ये 1 चम्मच धनिया। और धनिया ऐसे हम गोटा भी धनिया डाले हैं जब मसाला पीसते समय ना, गोटा धनिया डाल सकते थे, ये पीसते हैं। और
और इसमें डालेंगे थोड़ा सा शिमला मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स इसमें हम डाल दिए हैं थोड़ा शिमला मिर्च और थोड़ा सा MDH मसाला डाल दिए हैं। डाल करके इसको पूरा भून लेते हैं अच्छा से और थोड़ा सा इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर डालेंगे। इसमें अमचूर पाउडर भी थोड़ा सा मिला देंगे तो थोड़ा सा डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें मिला देते हैं बस इतना ही काफ़ी है। इसको पूरा अच्छे से भून लेते हैं। मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमारा चावल बन के तैयार है देखिए। भुंजा जाएगा तो अपने तेल छोड़ने लगेगा तब इसको फिर भरेंगे पटल में। मेरा यहाँ मसाला अच्छी तरह से भुन गया है अब हम इसको उतारेंगे और इसको ठंडा होने के बाद इसमें परवल में भरेंगे। परवल या पटल दोनों में से कोई भी हम लोग पटल बोलते हैं तो भरेंगे। तो चलिए अब उतार लेते हैं इसको। अब ये परवल में भी हम ये बना रहे हैं इसको भूज लेते हैं लाल करके फ्राई कर रहे हैं। इसका फ्राई कर लेंगे। हम लगा रहे हैं दाल में तड़का और ऑयल डालते हैं और जीरा के डॉलर को। डॉलू क्या कर रहा है तुम? ये गाड़ी के नीचे भी एक कुत्ता घुसा हुआ है। कब से काम कहीं कर रहा है? आओ आओ आओ। एक बच्चा घुसा हुआ है गाड़ी के अंदर। ले 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 आओ। ओ कितना काला गुस्सा रहा है वो। वाह पटल तैयार। तो ये हमारा सब्जी भी तैयार हो गया है। देखते हैं मेरा खाना बन के तैयार है। इसमें हमारा दाल भी तैयार है देखिए। और यहाँ हमारा चावल खाना बन। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं थोड़ा नहाने धोने। अभी हम नहाएंगे उसके बाद फिर आएंगे तो फिर थोड़ा पूजा कर लेंगे उसके बाद में खाएंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम नहाने के बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स आज है चाची का 50वां सालगिरह, शादी का सालगिरह। और चाची का मन रहा है 50वां शादी का सालगिरह। आज है मेहंदी और मेहंदी लग चुका है हाथ में देखें। ये रहा मेहंदी लग चुका है। मेरा नेट बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लग रही है चाची। आज बहुत सुंदर दिख रही है। कैसा लगा था? हमारा जो भेजा था नहीं बजा रही बहुत अच्छा। चाची को बहुत मतलब उस समय ये नहीं हुआ होगा लेकिन जो अभी फीलिंग आ रहा है आज बहुत अच्छा। बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है। आज चाची का पूरा शौक पूरा हो रहा है। और बेटा बहू सब आए हुए हैं तो वो लोग सारे लोग बहू यहाँ बैठ के मेहंदी लगा रही है। और कितना सौभाग्य की बात है ना कि बहू मेहंदी लगा रही है सासू माँ के शादी का सालगिरह पे। वो भी 50वां सालगिरह पे। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं। अब थोड़ी देर में डांस शुरू होने वाला है। और सबसे जैसा जैसा अपडेट होगा सब आपको दिया जाएगा और दिखाएंगे आपको पूरा मेहंदी का फंक्शन आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम आई लेट से तो हमने के पते चलल है लेट से। हां तो अभी तुरंत तैयार कर ले तो तुरंत रेडियो कैस्टर के बुलाइए ले तो। हां प्रोग्राम सडन हुआ। हां तो फिक्स नहीं अभी पता चला ना इसीलिए हम लोग को पता चला अभी इसीलिए। चलिए सभी फैमिली मेंबर से मिलाते हैं आप सभी को। और चाची के सब बेटे बहू सब आ गए हैं मिलाते हैं। अब मेरे पड़ोसी हैं मेरे बगल में हो रहा है तो मेरे हम लोग पड़ोसी हैं
और हम लोग को और पहले आना चाहिए, वही चाची बोल रही है कि तू आइलू है बहुत देर से। क्या बोला? तो क्या हो गया? ठीक है, यहाँ आके कॉल करना ना। इधर है नीलम और चाची की बड़ी बेटी हैं, अभी आई हुई हैं, और इधर बैठी हैं चाची, अभी सबसे मिलाते हैं आप लोगों को। और ये हमारी बहन है, इधर स्वेटी, सब हम लोग पड़ोसी हैं अगल बगल में। और लड्डू बुलाओ तो, नहीं है जानबे करते हैं, मिली है चाची के बड़े बेटे नीरज, कू भाई है, ये पोता है चाची का, और एक पोता उधर है उनका, बहुत ठंडा ये पानी। छोटे बेटे हैं निखिल, निखिल और नीरज दोनों घूम जा रहे हैं। देखिए चाची का घर ये वाला है, यहीं पे हो रहा है फंक्शन, और यहाँ हमारा घर है। अभी गाना वाना चल ही रहा है, तो फ्रेंड्स अभी गाना वाना चल ही रहा है, और अभी हम आ गए, 9 बज गया है। तो फ्रेंड्स अभी और मेहंदी का फंक्शन अभी ख़त्म हो गया, तो कल है उनका मैरिज एनिवर्सरी, तो फ्रेंड्स कल फिर आप लोग को दिखाएंगे सारे फंक्शन। और अच्छा फंक्शन हुआ, थोड़ा बहुत हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ फंक्शन। तो चाची बहुत पहले से ही बोल रही थी आने के लिए, तो बहुत लेट हम गए हैं, तो आ गए हैं घर पे। और आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग? ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय महाकाल, राधे राधे।